आज जानवरों की नजरों की बात करते हैं। भैंस को उतना साफ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ काला सफेद दिखता है। मेंढकों को रंगों के छींटे दिखते हैं और बाज को मोगली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? बाज की नजरें सबसे तेज होती है ना? बहुत अच्छे। और तुम इंसान सबसे ज्यादा रंगों को देख सकते हो, 1700 रंगों से भी ज्यादा। तो बाज 1700 रंगों को नहीं देख सकता? नहीं तो, ना ही सांप और ना ही कोई भेड़िया, मैं भी नहीं। पर मैं बता दूं, मेरी सूंघने की शक्ति तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और ये मुझे खास बनाती है। अरे तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा की तरफ, मुझे कुछ देखना है। बाय बाय बलू। वहाँ खतरा है, अरे बंदर पकड़ लेंगे तुम्हें। रुको मोगली। रोक उसे तबाकी। बड़े मजा क्या हो, तुम दोनों बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे हो। निकम्मे, तू किसी काम का नहीं। पर वो भैंसा यमदूत का था शेर खान। कल वाला हिरन फुर्तीला था, परसों वाली नीलगाय तेरे लिए बहुत बड़ी थी। एक हफ्ते से हमने कोई शिकार नहीं किया, है किसी काम का तू? तुम मुझे तो कह रहे हो, पर तुमने क्या किया बताओ? जबान मत लड़ा गीदड़, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। ओ, अब ये मत कहना कि तुम मुझे खाओगे। मुझे अपना हाजमा खराब नहीं कर। मोगली को खा लो। पता है वो इंसानी बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ पता है ना। तो शाम तक उसे पेश करो, वरना बहुत बुरा होगा। अब जाओ। बलू, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम पेंटिंग करना चाहते हो? ओह, तो इसे पेंटिंग कहते हैं। तो ठीक है, मैं पेंटिंग करूँगा, पर इंसानों की नहीं, जानवरों की, जैसे तितलियों की, जिनमें बहुत रंग होते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे कहाँ चल दिए? रुको। मैं इन फूलों से रंग कर सकता हूँ। इससे गुलाबी रंग मिलेगा और इससे मिलेगा नीला, ये रहा हरा और ये लाल वाला। सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना? ये देखो, बन गया फूल का पाउडर। बोलो ये क्या है? एक नीला निशान। जी नहीं, एक जादुई सांप। जानता हूँ ये सही नहीं बना, पर अभी तो शुरुआत है। अब काम शुरू करते हैं बलू। रंग रखने के लिए हमें ये काम आएंगे। मोगली। ओ हेलो डाजी। बस हो गया बलू, इतना काफी है। चलो पानी लेने चलते हैं। मोगली, मेरी बात तो सुनो। शेर खान भूखा है और वो तबाकी को खाना चाहता है, या मोगली को, या फिर एक भैंसे को, पर वो तो यमदूत का था ना? ये क्या बकवास कर रही हो? दोनों गुलाटी खा रहे थे, बिल्कुल बंदर की तरह। कौन? अरे वही दोनों। अभी तुम जाओ डाजी, हम जरूरी काम कर रहे हैं। अपनी कहानी बाद में सुनाना, ठीक है? पर ये जरूरी है, मुझे तो यही लगता है। शायद नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे तो बात ही याद नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? ये एक राज है। अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, उसे धो लो मोगली। ओ अच्छा, तुम बीमार हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हो, एक गिरगिट की तरह। नहीं तो। अरे तुम समझती नहीं कि मोगली के पास जादुई शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों की मदद से वो जंगल का राजा बनने वाला है। पर जंगल का राजा तो शेर खान है ना? अब उसके दिन गए कि। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पेंट करने वाला हूँ। पेंट? ये
पेंट क्या होता है? मोगली जंगल के जानवरों की पेंटिंग बनाना चाहता है, जैसे किले की दीवार पर इंसानों की पेंटिंग है। हमारी भी बनेगी। हाँ, आ गया तबाकी। वो मोगली कहाँ है? मुझे भूख लगी है। नदी के पास है, पर एक दिक्कत है शेर खान, बहुत जल्द वो तुम्हारी जगह जंगल का राजा बनने वाला है। वो बनेगा राजा? उसके पास जादुई शक्तियाँ है। नारियल के छिलकों में वो कुछ दवाई बना रहा था। क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ? कोई खुशबू तो नहीं आई, पर उसका चेहरा खतरनाक बना हुआ था, एकदम लाल। मुझे तो डर लग गया, बहुत डर। तुम किसी और को खा लो ना। ये नामुमकिन है। जरा मैं भी तो पता करूं कि वो कौन सी जादुई शक्तियाँ हैं। पानी से तो रंग निकल जाता है, तो बरसातों में भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे रंग हमेशा कायम रहे। रंगों को पक्का करने के लिए तुम्हें इसमें कुछ मिलाना चाहिए। अंडा, राल, मोम। मैं अभी मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर आता हूँ। डाजी, जंगल के मेरे सभी दोस्तों को यहाँ आने के लिए कहो ना प्लीज, और ये मत बताना कि मैं उनकी पेंटिंग बनाने वाला हूँ। अभी आती हूँ। एकी, मुझे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं खुद की पेंटिंग बनाऊंगा, ताकि दूसरों की बनाने तक मेरा थोड़ा हाथ साफ हो जाए। जल्दी नदी के पास पहुँचो, मोगली तुमसे मिलना चाहता है। बस किसी को बताना मत, वो पेंटिंग करने वाला है। पेंटिंग? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो? ओ, मेरा मतलब है बनवाना चाहते हो जी? जाओ ना नदी के पास, मोगली से मिलाओ। ये क्या बकवास कर रही हो डार्जी? तुम्हारे पंख, चोंच, पैर कुछ भी बोलो, मोगली सब कुछ बना सकता है, रंग बिरंगे रंगों से, एकदम असली लगेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी जानवरों को भी बताना है। इस बार उसकी जादुई शक्तियाँ भी उसे मुझसे बचा नहीं पाएंगी। जंगल का राजा मैं हूँ, देखता हूँ मेरी गद्दी मुझसे कौन छीनता है। तुम्हारी तरह लग रहा है। क्योंकि ये मैं ही हूँ। बच्चों मोगली, उसे लग रहा है तुम उसे हटाकर राजा बनना चाहते हो। किसकी बात कर रही हो डाजी? तो यहाँ छिपे हैं नए राजा जी। होली कब है? अगर तुम चुपचाप बैठो तो तुम्हारी पेंटिंग भी बना दूं। आखिरकार तुम जंगल के राजा जो हो। मोगली, तुम ठीक तो हो? वो मेरी पेंटिंग देखकर चकरा गया। इसका मतलब मैं अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे तुम्हारे जितने रंग तो नहीं दिखाई देते मोगली, पर तुमने जो भी बनाया है बहुत कमाल का बनाया है, मजा आ गया। अब किसकी पेंटिंग बनाओगे मोगली? मैं बड़ी सी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, जिसमें जंगल के सभी जानवर होंगे, और शुरुआत करना चाहता हूँ तुमसे। पहले मेरी। पहले मेरी बना दो, मुझे और भी काम करने हैं। मोगली को शुरुआत सुंदर और आसान से बनने वाले जानवर से करनी चाहिए, जैसे कछुए। पर पहले मुझे कहा था। अरे अरे, लड़ने की जरूरत नहीं, मैं सभी की पेंटिंग बनाऊंगा। सुनो, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, हम कल सुबह से शुरू करेंगे, ठीक है? अगर अपनी अच्छी पेंटिंग बनवानी है तो थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह कब आएगी? मोगली, अगर तुम्हारी पेंटिंग बनाता है तो उसे सबसे बड़ी बनानी होगी। तबाकी, बकवास बंद कर।
और तुम्हारी पेंटिंग सबसे खतरनाक होगी शेर खान। खामोश। उसे दबोच कर यहीं ले आता हूँ, यहीं बना देगा। तफा हो जा यहाँ से वरना तेरा कचूमर बनाकर खा जाऊंगा। खाली पेट डकार। तूने सच में तुम्हें वो बताया? और नहीं तो क्या, उसने कहा एक बड़ा। मेरा मौना, कितना इंतजार करवाओगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आ रहे हैं तो मुझे बताओ, वो राज बताओ। आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझसे कुछ मत छुपाना। क्यों नहीं, हम अभी वापस आते हैं, आपका तोहफा लेकर रानी। ओह, बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। कोई ऐसा फल जो मीठा हो, रसीला हो। वाह वाह। नहीं, क्यों ना शहद खाया जाए। अरे नहीं नहीं, क्यों ना सबसे बड़ा और स्वादिष्ट आम खाया जाए। रंगू, वो आम मेरा है। पर अब तो मेरे कब्जे में है। ओह, पेड़ पर और आम भी नहीं बचे। रुक जाओ रंगू, आम चोर कहीं के। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माशा को ये बहुत अच्छा लगेगा। हकदार है वो इसकी, साल भर उसने मेरे खाने का इंतजाम जो किया। बोलो इससे कौन लेकर जाएगा? मैं नहीं, ये काम मैं करूंगी। शांत हो जाओ, तुम दोनों इससे लेकर जाओगी। रंगू, मैं कहता हूँ रुक जाओ। प्यारी माशा, इस साल तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा उतना ही खास है जितने की तुम। बक बंद कर, तोहफा दे दे जल्दी। मुझे दे। अरे खींच रही है। तू इसे नीचे मत गिरा देना, समझी तू? बस बंद करो ये झगड़ा मेरा। चलो यहाँ आकर इस नारियल को खोलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और मैं भी नहीं थकने वाला बल्लू। जन्मदिन मुबारक हो माशा। चमकीली चीज लगी हुई थी, क्या थी वो? ओह, उस रंगू ने मेरा आम खराब कर दिया। ओ, भाड़ में गया तुम्हारा आम, वो मेरा तोहफा उठा कर ले गया। खामोश। वो हरी मणि मेरे खजाने की सबसे अनमोल चीज थी, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। इंसानी बच्चे, सूरज ढलने से पहले मुझे मेरी मणि चाहिए। तब तक माशा का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। और बलू, तुम यहीं रुकोगे। अगर वक्त पर मणि वापस नहीं आई तो हश्र क्या होगा ये खुद सोच लो। घबराओ मत बलू, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। रंगू, बात तो सुनो, तुम्हारे पास माशा का जन्मदिन का तोहफा है। किसे उल्लू बना रहे हो भला? आम किसी का तोहफा कैसे हो सकता है? थोड़ा सो लिया जाए। मुझे ये केले का पत्ता क्यों पकड़ा दिया? तुमने मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम खराब किया, अब तुम्हारी सजा है मुझे दिन भर हवा देना। पर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। पहले मणि चाहिए, फिर खाना मिलेगा, समझ में आया? सुनो जरा,
कुछ फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और उसके बाद जंगल से और फल लेकर आना ताकि रात का जश्न और मजेदार हो जाए। हेलो मोगली, चलो मिलकर कुछ खेले। अरे नहीं डाजी, मुझे भी रंगों को ढूंढना है। मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हो? मैं भी उसे ढूंढती हूँ, चलो मेरे पीछे आओ जल्दी। तुम अभी नहीं खा सकते। हाँ, एक बार मेरी मणि मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगी। मुझे वो दिख गया। वो रहा। ये सबको क्या हो गया? सब के सब मेरे आम के पीछे पड़े हुए हैं। रुको, रुको ना। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। माफ करना मोगली, मैं उसे रोक नहीं पाई। नो टेंशन, मेरे पास एक आइडिया है। वो गुफा देख रही हो? माशा, क्या है? मीरा और मोना थक गए हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं? हाँ हाँ, वैसे कर सकते हो। पर जरूरत नहीं है। मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू डार्जी? पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें एक जगह बताऊँ जहाँ तुम ये आम शांति से खा सको। सच कह रही हो, तुम्हें मेरा आम नहीं चाहिए? हाँ, एक खामोश गुफा है, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हाथ आए हो? छोड़ छोड़ दे जुल्मी, ये मेरा आम है। छोड़, छोड़। मुझे इस पर लगा मरी चाहिए बस। रंगू, नीचे देखो। अरे नहीं, अब मिल गई तुम्हें शांति। हमारी लड़ाई में काम मुंह मार गया। अरे नहीं, सूरज ढल रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। का उठो का, तुम सो नहीं सकते। किसने बोला? मैं तो पहले ही सो चुका हूँ, दफा हो जाओ। थोड़ा ऊपर। हाँ, क्या बात है। सूरज ढलने वाला है, मेरी मणि भी आने वाली होगी। आओ जी, क्या कर रहे हो? आराम से। पक्का मोगली, तुम ये करना ही चाहते हो? एक बार और मदद करो डार्जी, तुम्हें का को उठाना होगा और उसे पेड़ से दूर ले जाना होगा बस। ओह, ये काम है, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। ओ डार्जी, तू तो गई आज काम से। शुक्रिया का, वैसे भी फल तुम्हें हजम नहीं होते। पर ये वाला टेस्टी लग रहा था। समय पर मणि नहीं आई तो क्यों ना अब तुम्हें सजा दी जाए। रुक जाओ, मणि आ गई, वो भी सही सलामत। एकदम सही वक्त पर आए हो मोगली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया डार्जी, मोगली की मदद करने के लिए। अब तो सब ठीक है ना बलू? नहीं मोगली, पेट में अब भी चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे भी। फलों की चोरी कर रहे हो? दरअसल वो हम। क्या कहा, चोरी?
हमने नहीं की, वो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जितना खाना है